Hello friends, good afternoon. I am Naval and you are watching मानव फीचर बैंड चैनल. आज हम आपको कॉमन रूल्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे. लेकिन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उन सब के लिए थैंक्स. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमन रूल्स को किस तरह फॉलो किया जाता है. देखिए, नैरेशन को हिंदी में कथन बोला जाता है. नैरेशन को हिंदी में कथन. आपको मैं आज सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं कॉमन रूल्स का. कॉमन रूल्स होते क्या हैं? चेंज ऑफ पर्सन, पर्सनों को बदलना. चेंज ऑफ टेंस, वाक्यों को बदलना. चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना. इससे मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में कराया था चेंज ऑफ पर्सन किस तरह बदलते हैं, आप उसे जरूर देखिए. सेकंड चैप्टर याद है, आपको बता रहा हूं. देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्नलिखित बदलाव होते हैं. जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्नलिखित बदलाव होते हैं, मतलब काफी बदलाव होते हैं. जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में दिया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्नलिखित बदलाव होते हैं. आर एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच और आर बी का रिपोर्टिंग वर्ब. अब क्या क्या बदलाव होते देखिए. सेड का सेड रहता है, सेड टू होगा तो टोल्ड आएंगे. सेड का सेड, सेड टू होगा तो टोल्ड, और कॉमा कॉमा के स्थान पर दैट. चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से बदलते हैं देखिए. दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का दियर, नाउ का देन, दस का सो, एंस का देंस, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, एगो का बिफोर, कम का गो, लास्ट का द प्रीवियस. क्लियर? एक बार दोबारा देखिए. दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का दियर, नाउ का देन, दस का सो, एंस का देंस, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, एगो का बिफोर, कम का गो, लास्ट का द प्रीवियस. क्लियर? आगे देखिए. चेंज ऑफ टेंस, टेंस को किस तरह से बदलते हैं देखिए. प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें इज आर एम दिया हो उसको आप पास्ट सिंपल टेंस वॉज वर्ब में चेंज करेंगे. इज आर एम को वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब दिया हुआ तो हैड बीन, और हैड बीन दिया हुआ तो नो चेंज. क्लियर? इज आर एम दिया हुआ तो वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब दिया हुआ तो हैड बीन, और हैड बीन दिया जाएगा तो नो चेंज. क्या? नो चेंज. क्लियर? आगे देखिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में. देखिए, जिनमें मैंने बोला उसमें एस सी एस का प्रयोग होगा उसमें तो सेकंड फॉर्म आएंगे, और सेकंड फॉर्म आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो नो चेंज होगा. क्या होगा? नो चेंज. क्लियर? एक बार दोबारा देखिए. इज आर एम होगा तो वॉज वर्ब, वॉज वर्ब होगा तो हैड बीन, हैड बीन होगा तो नो चेंज. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा तो उसका आपको लिए लगाना होगा नो चेंज. क्या लगाना होगा? नो चेंज. क्लियर? आगे ना क्लियर हो गया? अच्छा, दोबारा देखना. हाँ, मुकेश तुम्हारे समझ में आ गया? देखिए, अच्छा ये वाला क्लियर नहीं हुआ है. प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा जिसमें इज आर एम का प्रयोग होगा उसको मैं आपको बहुत बार लगाना है. जैसे देखो, रमन सेड पूनम इज गुड,
रमन सेड पूनम इज गुड। अब आपको उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो रमन सेड दैट पूनम, अब सेड दे दिया, सेड किसमें आता है पास में, जब पास में आता है तो वाक्य बदल जाता है। तो इज आर एन के स्थान पर क्या लाएंगे वॉज वर्ब, और पूनम में आप सिंगुलर हो रही तो इज की जगह क्या आ जाएगा वॉज। क्लियर? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।